हेलो एवरीवन यूनिट थ्री मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं इससे पहले हमने क्या क्या किया है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बायोटेवेट लॉ क्या है एंड टॉर्क ऑन ए करेंट लूप इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चलिए क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थम रूल और दूसरा आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल करेंट थ्रू द लूप और कॉयल एंड एरिया ऑफ द लूप और फॉर्मुला होता है एम इक्वल टू एन आई ए टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेट ए नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोवमेंट एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी अलाउड टू ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई नीडल विच इज अलाउड टू ऑसिलेट इन द मैग्नेटिक फील्ड बी

टाउ इक्वल टू होता है आई एल्फा एल्फा होता है डी ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी सो यह आ गया टाउ इक्वल टू आई डी स्क्टापॉन डी टी स्क् आई डी स्क्र थीटा अपॉन डी टी स्क्वल टू माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा इसे लिखा जा सकता है आई डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वल टू माइनस ऑफ एम बी थीटा क्यों क्योंकि जब एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है रीअरेंज करके लिख सकते हैं डी स्क्र थीटा अपॉन डी टी स्क्वल टू माइनस ऑफ एम बी अपॉन आई इंटू थीटा या लिख सकते हैं डी स्क्र थीटा अपॉन डी टी स्क् प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन एस एच एम की होती है डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क् प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वेशन नंबर फोर थ्री और फोर से ये कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक निडल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे पास इक्वेशन थ्री है डी थीटा अपॉन डी टी स्क्स एम बी थीटा अपॉन आई इक्वल टू जीरो और इक्वेशन फोर है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्स ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो थ्री और फोर से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई ओमेगा की जगह हमने लिखा टू पाई बाई टी इससे हमारे पास आता है फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई जिसे सॉल्व करके हमारे पास बी आएगा फोर पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर टॉपिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं सो so, हमारे पास क्वेश्चन इन फिगर द मैग्नेटिकल मैग्नेटिक मोवमेंट सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन टूथ पावर ऑफ माइनस टू एम्पेयर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू से जी मीटर स्क्वायर इट परफॉर्म टेन कंप्लीट ऑसिलेशन इन सिक्स पॉइंट सेवन सेकेंड्स वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो भाई हमने अपना डायग्राम बनाया अच्छा आप देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टी गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का B इसमें वैल्यूज रखो सॉल्व करो तो हमारे पास B आता है जीरो पॉइंट जीरो नेक्स्ट वन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सिक्सटीन टर्न्स एंड रेडियस टेन सेंटीमीटर कैरिंग अ करेंट ऑफ पॉइंट सेवन फाइव एम पे Rest with its plane normal to an external field of magnitude 5 into 10 to the power of minus 2 tesla. The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2 per second. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? Tamarepas so, given a n r करंट मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होता है एम इक्वल टू एन आई ए ठीक है एरिया की जगह हमने पाईआर स्क्वायर लिखा फिर हमने सारी वैल्यूज रखी तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आता है पॉइंट थ्री सेवन जूल पर टेस्ला हमें निकालना है मोवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल टू एम बी अपॉन फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ये कहाँ से आया देखो न्यू क्या होता है वन अपॉन टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ़ एम बी अपॉन आई तो वहाँ से अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आई की ये वैल्यू आएगी एम बी अपॉन फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायेर इसमें सारी वैल्यूज रखो तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है वन पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस फोर के जी मीटर स्क्वायर

अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल अबाउट द एक्सिस इज आई द निडल इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स स्टेबल पोजिशन एंड देन रिलीज प्रूव दैट इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैंस डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड तो इसमें सबसे पहले आपको डिराइव करना है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू तो एम बी अपॉन आई ये आप देख सकते हैं हमने इसी वीडियो में पहले डिराइव किया हुआ है उसके बाद आपने लिखना है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई ओमेगा की जगह लिखेंगे टू पाई बाई टी इससे आपका निकलेगा टी इज इक्वल्स टू टू पाई इन अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी विच इज द रिक्वायर्ड आंसर वॉज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट गूगल बिंग एन सी आर टी सबका धन्यवाद अगर कहीं से कोई डेटा इमेज या कुछ लिया गया है एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन मैग्नेटिक डायपोल ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन Thank you so much.